महादेव। दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं शिव विवाह के बारे में आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं जो इस कथा को सुन लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। तो वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आगे वीडियो मेरी सारी मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवताओं से सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान ही दुनिया को चलाते हैं। वह इतने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत करते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान शिव का विवाह बहुत ही अनूठा और अद्भुत था। शिव विवाह से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं भगवान शिव का विवाह बहुत ही अलग ढंग से हुआ था। उनकी बारात में सबसे अलग हुई थी। आइए जानते हैं विवाह शिव के बारे में। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर ली। इस घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। बोल पार्वती मैया की जय। तारकासुर नाम के एक असुर का उस समय आतंक था। देवतागण उससे भयभीत थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है। उस समय भी भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती की विवाह योजना बनाई। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन वह भस्म हो गई। देवताओं की विनती पर शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो गई। अब चलते हैं शिव विवाह की तरफ। चलिए शिव जी महाराज पार्वती मैया की जय। विवाह का दिन आ चुका था। बाबा भोलेनाथ ठहरे सन्यासी, दिन दुनिया में एकदम विरक्त। यहाँ तक कि अपने विवाह की तिथि भी वो भूल गए थे। वे तो धूनी रमाए हुए बैठे थे। नंदी महाराज ने उन्हें समाधि से उठाया और बोले, बाबा आज आपका विवाह है। कुछ समय बाद पश्चात हमें राजा हिमाचल के यहाँ प्रस्थान करना है, कृपया सज सवर कर तैयार हो जाएं। भोले बाबा ने कहा, मुझे तो सजना सवरना नहीं आता, हम तो इसी वेशभूषा में चलेंगे। तब भगवान विष्णु और अन्य देवी देवता वहाँ पर आए और बोले कि हम सभी मिलकर महादेव को तैयार करेंगे। सभी ने मिलकर बाबा का श्रृंगार किया। भोलेनाथ भगवान की जय। हल्दी तथा चंदन लगाकर दूध से स्नान कराया। इसके पश्चात माता लक्ष्मी तथा सरस्वती ने उनकी आंखों में काजल लगाया तथा विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी। अब समस्या ये थी कि सांप उनके गले से उतरने को तैयार ही नहीं थे। वे बोले, हम कहाँ जाएंगे? तो शिव जी ने उन्हें कहा कि तुम पुष्पों के हार का रूप धर लो। ऐसे ही हुआ। भयंकर विषधारियों ने सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाओं का रूप धर लिया। सभी ने शिव जी का ऐसा श्रृंगार किया कि उनका श्रृंगार देख के करोड़ों कामदेवों की चमक भी फीकी लग रही थी। अब नंदी पर सवार होकर शिव शंकर चल दिए। माता गौरा को बिहाने। शिव जी पशुपति हैं, जगत के चर अचर जीवों के स्वामी। तो जब सबको ये ज्ञात हुआ कि आज तो हमारे आराध्य का विवाह है, तो समस्त जीव जंतु, भूत प्रेत डाकनी साकनी तथा भैरव आदि पहुंच गए शिव की बारात में शामिल होने। बाबा भोलेनाथ तो निराले हैं ही, उनकी सेना और भी निराली।
किसी के हाथ पैर नहीं तो किसी के अनगिनत हाथ पैर, कोई बिना सिर वाला तो कोई बहुत सिर वाला, अजीब गजीब सी बारात चल दी है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, भभूति रमाई के होना। बाबा भोलेनाथ तो निराले हैं, कोई तरह तरह के बांध बजा रहा था, कोई अजीब तरह से नाच रहा था, कोई ढोल नगाड़े बजा रहा था, कोई भंग पिए हुए था, तो किसी ने शमशान की भस्म तथा कपाल धारण किए हुए था। सभी बराती नाचते गाते सबसे आगे चल रहे थे। उधर पर्वतराज हिमालय ने पूरी नगरी को बड़े बड़े द्वारों से सजवाया था। रतन जड़ित पर्वत सोने की भांति चमक रहे थे। स्थान स्थान पर खाने पीने के स्वादिष्ट व्यंजन रखवा रखे थे। साथ ही पूरे जिगह हीरे मोतियों से जगवा कर तैयार किया हुआ था मंडप। जब बारात हिमाचल के यहाँ पहुँचने वाली थी, वहाँ के नागरिक बच्चे इकट्ठे हो गए। कुछ बच्चे उत्सुकता के कारण नगर के प्रवेश द्वार तक पहुँच गए थे, किंतु जब उन्होंने भूतों की टोली को नाचते हुए देखा तो वे घबरा कर वापस भागे और कुछ देर बाद वहाँ भगदड़ मच गई। बच्चे तो जाकर अपने घरों में दुबक ही गए। जब घर वालों ने डरने का कारण पूछा तो बता ही नहीं पाए। खैर बारात तो जनवा से, बारात को ठहरने की जगह में ठहराया गया। अब क्या था, बच्चे तो जाकर अपने घरों में दुबके हुए थे और जिन्हें बारातियों के आगमन पर नाश्ता कराना था वे डर के मारे जनवासे में नहीं जा रहे थे। किसी तरह अपने डर पर काबू करके उन्होंने बारातियों को नाश्ता कराया। सभी बारातियों को एक पंगत में बिठाया गया। ऐसे ही एक मजेदार किस्सा है। दो व्यक्ति भोजन के लिए पत्तल लगा रहे थे, तब उन्होंने बारातियों को पत्तल लगाना शुरू किया तो देखा कि एक बाराती बिना सिर वाला बैठा है। उन्हें समझ नहीं आया कि पत्तल किस ओर रखना है, आगे रखें या पीछे रखें। सोच ही रहे थे कि उस व्यक्ति से आवाज आई, क्या सोच रहे हो, पत्तल रखो। डर के मारे उन्होंने पत्तल रखा और तेजी से भाग निकले। अब आगे क्या, तो एक और समस्या उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ तो व्यक्ति बैठा था, उनके चारों दिशाओं में सिर थे। एक ने दूसरे से पूछा, इन महास्य का पत्तल कहाँ रखना है। इस पर हमारे भोलेनाथ के उन अनेक अनोखे बरातियों को भोजन कराया गया। फेरों का समय आ गया था। बोल शिवजी महाराज की जय, बोल महादेव की जय, बोल पार्वती मैया की जय। जनवासे से शिवजी तथा महल से माता पार्वती को बुलाया गया। ब्रह्मा जी ने उनके फेरे कराए और विवाह संपन्न हो गया। पर्वतराज हिमालय की प्रार्थना पर कुछ दिनों के लिए सभी बराती वहां ठहरे। सभी के लिए बड़े बड़े महलों में ठहरने की तथा भोजन आदि की व्यवस्था थी। प्रतिदिन वहां विद्वान ऋषि मुनि आते और धार्मिक सभाओं का आयोजन हुआ करता था। कुछ दिन पश्चात सप्त ऋषियों ने विदाई का शुभ मुहूर्त निकाला। पर्वत राज हिमालय तथा उनकी पत्नी ने अपने जमाता तथा अपनी पुत्री को सह सम्मान बहुत से उपहार और आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। शिवजी माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर कैलाश को चले गए और अन्य बराती भी भगवान के साथ लौट गए। बोल शिव शंकर महाराज की जय।